हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम कक्षा एक का पाठ 9 बंदर और गिलहरी जो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, उसका पहले एक प्रश्न भी करा था हमने कल में रिक्त स्थान गप्पे वाला। अब उसके आगे का हम आज करते हैं कि क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे करके दिखाओ कि आप इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, वो करके आपको बताना है। अब रुमाल है तो रुमाल से आप क्या कर सकते हो, देखिए ऐसे मास्क लगाते हैं हम आजकल, लगाते हैं ना, पता है आपको कोरोना में रुमाल का सबसे यूज़ तो हम वो ही कर रहे हैं। जब आपको छींक आती है तब तो मुंह ढकने के काम में लेते हो आप, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप मुँह ढकने के काम में। गर्मी होती है तब सिर पर सिर ढकने के लिए काम आता है ताकि गर्मी से बचाव हो जाए। और आप आँख मिचोली का गेम खेलते हो तब भी लिख सकते हो आप, इसमें आँख मिचोली का खेल खेलने में काम आती है, गर्मी से बचने में काम आती है, दो बातें लिख देंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास्क के रूप में इसका यूज करेंगे, और दूसरा जब हमें छींक आती है तब रुमाल से अपने मुंह ढकना चाहिए ना हमें। फिर आपका दो नंबर पे पेंसिल, तो पेंसिल से हम क्या करते हैं, चित्र बनाने के काम आती है पेंसिल हमारे, और पढ़ाई भी करते हो आप तो लिखने के काम आती है, चित्र बनाने के काम आती है, और आप अपने मन से भी लिख सकते हो। फुट्टा, फुट्टा क्या होता है, इसकी सहायता से हम कागज़ पे लाइन खींचने के काम आते हैं, हाशिया खींचते हैं उसमें भी काम आ जाता है और फुट्टा से देखते हो ना। और जब आप मैथमेटिक्स में कुछ बनाते हो, आड़ी तिरछी लाइनें खींचते हो, तब भी फुट की सहायता से हम वो काम कर सकते हैं। तो आप क्या क्या करते हो वो आप लिखोगे। दूसरा देखिए आपका प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका क्या क्या। अब देखिए इसमें नीचे देखिए आप क्या लिखा है इसमें, आपके इसमें लिखा है बच्चे अपनी कल्पना से लिखेंगे, कि आपको अपनी कल्पना से इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए इसमें बच्चे अपनी कल्पना से लिखो, लिखने में आप बच्चों से, तो आप अपनी कल्पना मतलब आपने दिमाग का आप यूज़ कीजिए कि आप इस चीज़ों से आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला है हमारा, तुम तो इतनी सारी चीज़ें खाते हो जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा और क्या क्या खाते हो, तो ये आपको अपनी रिमझिम वाली बुक में करना है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, अब आप क्या क्या खाते हो, जो जो चीज़ें आप खाते हो अपने मन से आप लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, आम, केला या फिर फल इत्यादि खाता हूँ। और आप छोटा लिखना चाहते हो तो आप चार चीज़ें, लेकिन आपको अपने कल्पना से अपने मन से, अब देखिए ये चीज़ें तो आप खाते हो जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा और क्या क्या खाते हो, तो इनके अलावा आप लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आम, केला या फिर फल इत्यादि खाता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा दूसरा प्रश्न है आपका, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। अब वैसे तो गिलहरी क्या खाती है हमें थोड़ी पता रहता है क्योंकि घर पे थोड़ी होती है, लेकिन सबके घरों पे आती है, पेड़ों पे हम गिलहरी को देखते हैं, तो ये भी आपको अपने मन से कल्पना से हम क्या लिखेंगे। देखो गिलहरी का चित्र दिया है, तो गिलहरी क्या क्या खाती है, देखिए गिलहरी मूँगफली भी खाती है, सूखी रोटी भी, अब देखिए किसी के घर पर आती है अगर रोटी रखी हुई रहती है तो वो रोटी उठा के ले जाती है, वो छोटे छोटे बाइट करके उसको खा जाती है, और मूंगफली भी खा लेती है। अब वैसे ये पेड़ों पे रहती है ना, तो पेड़ों पे जो फल लगते हैं ना, ये बादाम भी खा लेती है, अखरोट भी खा लेती है, गिलहरी के दांत बहुत तीखे रहते हैं इसलिए। तो क्या लिखेंगे हम, मूंगफली, सूखी रोटी, फल, काजू या फिर ये बादाम, अखरोट इत्यादि खा लेती है। तो आप सिर्फ चार नाम भी लिख सकते हो गिलहरी, उत्तर में क्या लिखोगे, मूँगफली, सूखी रोटी, बादाम, अखरोट, इसमें दे रखे हैं ना, गाजर भी खा ले, मतलब इसको जो चीज़ दिखनी होती है वो ये खा लेती है। अब घरों पे अपने रोटी रखी है तो रोटी उठा के ले जाएगी, पेड़ पे रहती है तो ये अमरूद वगैरह लगते हैं फल, तो इसको भी ये खा लेती है। फिर है बंदर क्या क्या खा लेता होगा। अब बंदर तो सबके घरों पर आता है, हम उसको भगाते भी हैं, लेकिन जब उसको कुछ खाने की चीज़ दिखती है तो देखो बंदर क्या खा लेता है। वैसे तो बंदर केला खाता है, आम भी खा लेता है, रोटी भी खाता है, अंगूर, चावल इत्यादि। और इसके अलावा आपको कुछ लिखना है तो आप अपने मन से वो भी लिख सकते हो, लेकिन आप चार चार नाम तो सब में लिखोगे,
ताकि आपको चार लिखोगे तो आपको याद भी रहेंगे। तो आप क्या लिखेंगे बंदर में? केला, आम, रोटी, चावल इत्यादि। हो गया, तो ये हमारे दोनों प्रश्न हो गए। तो ये आपको अपनी रिमझिम वाली बुक में करने हैं। तो एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे। थैंक यू।